तो ये है Redmi 12 5G। यार काफ़ी टाइम हो गया था कोई ऐसा स्मार्टफोन देखे हुए जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ। सो ये वाले स्मार्टफोन को मैंने परचेज़ किया, 7 दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा जिससे आप पता लगा सकते हो कि इस वाले फ़ोन को आपको परचेस करना है या नहीं करना है। ये एक इनडेप्थ रिव्यू होने वाला है, सारी की सारी पोल पट्टी खोलने वाला हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किपिंग एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मज़ा आएगा, देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और इसके इनहैंड फील के बारे में। ये वाला जो स्मार्टफोन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन अपने साथ में लेकर आता है। पीछे जो है पूरा प्रॉपर ग्लास है, खैर मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं लगा बट फिर भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनहैंड फील की बात करो तो ऐसा फील होता है कि हमने एक प्रीमियम फ़ोन को पकड़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि यार बॉक्सी ज़्यादा है एंड इतना ज़्यादा बॉक्सी डिज़ाइन आपको देखने मिलता है सारे एजेस में कि आपको जो पीछे का पैनल है वो और ज़्यादा क्लियर कट दिखता है। प्लस ब्लैक कलर है तो आप खुद ही देख सकते हो रिफ्लेक्शंस काफ़ी प्यारे आ रहे हैं एंड काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आप जो है होल्ड कर सकते हो। इतना ज्यादा कर्व नहीं है कि आपके हाथ से ये गिर जाए और ये ग्लॉस के साथ में बॉक्सी डिजाइन देना है काफी अच्छी जो है प्रीमाइस मुझे देखने मिली। डिस्प्ले पे आते हैं। यार डिस्प्ले देखो मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया है। इस वाले स्मार्टफोन में हमें 6.79 इंचेस का एक काफ़ी बड़ा डिस्प्ले देखने मिलता है। बड़ा ये है लेकिन बेजल के कारण आपको थोड़ा थोड़ा छोटा फील ये करा देता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 550 निट्स की है जो कि भी मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी आउटडोर्स में। मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा लो। वैसे आउटडोर में यार मुझे पर्सनली इसकी डिस्प्ले से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। इसमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है जो कि काफ़ी बढ़िया डिसेंट काम करता है एंड इस चीज़ को मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से। IPS LCD डिस्प्ले AMOLED नहीं है। सो IPS LCD डिस्प्ले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको कलर्स उतने सैचुरेटेड नहीं देखने मिलते। बट अदर देन द प्राइस पॉइंट मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। इस प्राइस पर ये वाली डिस्प्ले जस्टिफाइड है। प्रॉब्लम सिर्फ मुझे इसकी बेजल के साथ में थी। और आप YouTube वगैरह पर इस पर अगर कॉन्टेंट वॉच करते हो तो 1080 पिक्सल पर आराम से आप देख सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। AMOLED डिस्प्ले में जैसे ब्लैक कलर्स थोड़े ज़्यादा डार्क देखने मिलते हैं, इसमें वैसा कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा। स्पीकर की बात करो तो यार देखो मोनो स्पीकर है, उतना कुछ खास आउटपुट आपको देखने नहीं मिलता है। थोड़ा सा भरभराता भी है अगर इस प्राइस पर देखोगे तो, इससे बेटर स्पीकर्स मार्केट में अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 13 है, MIUI 14 के साथ में आपको ये वाला स्मार्टफोन देखने मिलता है। काफ़ी सारे ब्लोटवेयर्स थे, हटाने के बाद में भी आप अच्छे खासे यूज़ कर सकते हो। एड्स थोड़े बहुत आएंगे मिनिमल से, एड्स को ऑफ भी कर दोगे तो भी थोड़े बहुत आ सकते हैं क्योंकि बजट फ़ोन है तो प्राइस कहीं ना कहीं से तो रिकवर की जाएगी। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 देखने मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 695 आया था उसका एक अपग्रेडेड सा वर्जन है एंड इसके कारण इसमें आपको काफी अच्छी खासी ठीक ठाक गेमिंग देखने मिल जाती है ना। बोल सकता हूँ कि प्राइस पॉइंट पर काफी अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस देखने मिल जाता है। UFS 2.2 स्टोरेज है तो जो कि अच्छा खासा सपोर्ट दे देता है आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह को एंड उतना कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने नहीं मिलती। परफॉर्मेंस में एक फाइनल रिव्यू दूं तो आप इसमें मल्टीटास्किंग काफी ठीक ठाक तरीके से कर सकते हो, उतना कुछ खास प्रॉब्लम आता नहीं है। बस हाँ प्रॉब्लम आएगा गेमिंग के साथ में, थोड़ा हीट कर सकता है हल्का मिनिमल सा क्योंकि पीछे भी ग्लास है। 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है तो आपके हीट को थोड़ा बहुत ये कंट्रोल करने का ट्राई करेगा। अच्छे खासे एनवायरनमेंट में अगर गेमिंग करते हो तो ठीक ठाक हो जाएगी, बाकी नॉर्मल मल्टीटास्किंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चार्जिंग एंड बैटरी की बात कर लेते हैं। 5000 mAh की बैटरी है, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप आपको दे देगी। 1 से 1.5 डे तो परफेक्टली दे देगी, 2 दिन भी जा सकता है, वो आपके यूसेज पैटर्न पर डिपेंड करता है। सेकेंडली चार्जिंग की यहाँ पर बात करें तो मुझे पर्सनली थोड़ी सी दिक्कत है। 22 वॉट का इसमें आपको चार्जर देखने मिलता है बट ये आउटपुट एक्चुअली 18 वॉट का ही एक्सेप्ट कर पाता है। सो ये चीज़ एक बहुत मतलब क्यों ही है ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। दूसरी चीज़ यहाँ पर 33 वॉट आपको कंपटीशन में इस प्राइस पॉइंट पर एटलीस्ट देखने मिल जाता है। बैटरी अच्छी है, चार्जिंग थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। और ये एक 5G स्मार्टफोन है तो ऑफ कोर्स सी बात है आप पूछोगे कि 5G कैसा चलता है। 7 बैंड्स आपको देखने मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ठीक ठाक का सपोर्ट दे देंगे आपको इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें 5G कनेक्टिविटी को यूज़ कर सकते हो, बराबर से यूज़ कर सकते हो। अगर आप 4G यूज़ करोगे एंड 5G इंटरनेट यूज़ करोगे तो डिफरेंस आपको देखने मिल जाएगा। स्पीकर की तरह माइक भी इसमें आपको सिंगल देखने मिलता है, साथ साथ में आपको IR ब्लास्टर देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको बेसिकली जो हाइब्रिड सिम स्लॉट है वो देखने मिलता है, मतलब आप 2 सिम एक बार में यूज कर सकते हो या 1 सिम एक मेमोरी कार्ड आप यूज कर सकते हो। कैमरा में यार देखो काफी मिक्स थॉट्स हैं, अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है। कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का ही जो मेन सेंसर है उसी की ही बात करूंगा क्योंकि वही काम का है, बाकी जितने भी है सब दिखावा है, मतलब कुछ नहीं है उसमें। 50 MP का सेंसर डे लाइट में काफी अच्छी फोटोज निकाल लेता है एंड इस प्राइस पॉइंट पर जैसी फोटोज आप एक्सपेक्ट करते हो वैसे ही निकाल देता है। थोड़ा और एडिट
लाइट कर दोगे तो फोटोज अच्छी खासी दिखती हैं। स्किन टोन्स भी ये दिन में काफ़ी अच्छी कैप्चर करेगा, स्पेशली आउटडोर्स में हमने कैप्चर करी थी इससे फोटोग्राफ्स, तो काफ़ी बढ़िया फोटोग्राफ्स आ गई थी। पोर्ट्रेट मोड भी इसमें आपको देखने मिल जाता है, नाइट मोड भी देखने मिल जाता है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो सेल्फी कैमरा में आपको ठीक ठाक ही देखने मिल जाता है, डिसेंट सा ही कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का है एंड इसमें आपको ठीक ठाक ही जो है परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगी। डे लाइट में काफ़ी अच्छी फोटोज कैप्चर कर लेगा, बट लो लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आती है एंड थोड़ा सा ग्रेन सी ये लो लाइट में आपको दे देता है। मुझे सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ जो लगी है इस फ़ोन के कैमरा के साथ में वो है इसका वीडियो। वीडियो में कोई भी आपको मतलब अच्छा नहीं देखने मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी काफ़ी ख़राब है, फिर आपको 1080p सिर्फ 30fps तक का ही सपोर्ट देखने मिलता है, जो कि एक ऑब्वियसली काफ़ी बेकार बात हो जाती है इस प्राइस पॉइंट पर। सेकेंडली यहाँ पर मुझे वीडियो में जो चीज़ ख़राब लगी वो थी इसकी स्टेबिलिटी। मैंने एक वीडियो टेस्ट करके देखा है, काफ़ी धीरे धीरे वॉक करके भी इसमें आपको स्टेबिलिटी काफ़ी बेकार देखने मिलती है। अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा थोड़ा ठीक ठाक वीडियो कैप्चर कर लेता है, बट जो मेन सेंसर है वो उतना अच्छा वीडियो कैप्चर नहीं कर पाता। स्पेसिफिकली वीडियो के लिए ले रहे हो तो सेल्फी कैमरा का वीडियो फिर भी ठीक ठाक है, बट बैक कैमरा का वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो भाई दुनिया भर की बातें तो होती रहेंगी, अब बात करते हैं एकदम फाइनल वर्डिक्ट की, खरीदें या नहीं खरीदें। तो ये चीज़ें दो मैं पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, पहले हैं कुछ प्लस एंड फिर कुछ हम नेगेटिव्स की भी बात करेंगे। इसके जो सबसे बड़ा प्लस रहेगा वो इसका प्राइस पॉइंट रहेगा, 12,000 से ये वाला फ़ोन स्टार्ट होता है एंड मुझे तो ये चीज़ सच्ची में दिमाग में आ भी नहीं रही है कि कब मैंने सुना था कि एक 5G स्मार्टफोन 12,000 में आपको देखने मिलेगा। सो 12,000 रुपये में आपको एक 5G स्मार्टफोन देखने मिल रहा है जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इस प्राइस पर ये वाला प्रोसेसर डेफिनेटली कोई और स्मार्टफोन में आपको देखने नहीं मिलेगा। सेकेंडली काफ़ी अच्छी बात जो मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक सबसे बड़ा प्लस है इसका डिज़ाइन। इस इस पर यार इस तरह के डिज़ाइन से आप मतलब क्या ही डिसअपॉइंट हो गए, कितनी प्यारी डिज़ाइन है। वहीं पर इसका जो कैमरा एंड डिस्प्ले है वो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर लगा। डिस्प्ले इसलिए बिकॉज डिस्प्ले आउटडोर में बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है, इंडोर में फिर भी ठीक ठाक आपको देखने मिल जाती है। रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छा है, 90Hz का आपको देखने मिलता है। वहीं पर कैमरा जो कि मुझे एब्सोल्यूट वेस्ट लगा इस प्राइस पर, यार फिर भी मैं और भी स्मार्टफोन्स काफ़ी ऐसे देख चुका हूँ जिनका कैमरा इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सो अगर डेफिनेटली आपके ये प्लस या ये माइनस में से कोई भी चीज़ आपको लगती है जो लेने का फैक्टर बनता है तो डेफिनेटली ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ डिटेल्स में दे रहा हूं जहां से आप इस वाले स्मार्टफोन को अभी परचेस कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कहीं पर ये अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे पास इसकी सोर्सेस हैं जहां से आप इसको परचेस कर सकते हो। गोपाल मोबाइल का मैं आपको नंबर नीचे दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, भोपाल में आप परचेस कर सकते हो एंड ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो। सो यही थी मेरी वीडियो जो कि छोटा मोटा मैंने सोचा एक रिव्यू बना दिया जाए, बाकी इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी हम डेफिनेटली एक प्लान करेंगे। आप मुझे बताना ज़रूर आप क्या क्या देखना चाहते हो इस वाले स्मार्टफोन का कंटेंट, प्लस काफ़ी सारे टेस्ट आपको बहुत जल्दी देखने मिलेंगे हमारे चैनल पे। देखते रहना, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Mouth, 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 mouth.